नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रुपमा खोपड़ी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी लखनऊ की बड़ी खबर के साथ, जहां पर आपको बता दें कि गौतमपल्ली थाने में देर रात बवाल हुआ। सपा नेता शिवपाल यादव थाने पहुंचे थे, जहां निज पति को हिरासत में लेने का पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस चेकिंग में अंकुश की गाड़ी को रोक की गई थी, जहां पर पुलिस कर्मियों ने अंकुश से कई सारे सवाल किए, जिसके बाद में विवाद हो गया, जहां गाड़ी के पेपर्स दिखाने को लेकर ये विवाद हुआ था। अफसरों के हस्तक्षेप के बाद गाड़ी को छोड़ा गया, जहां शिवपाल यादव ने पुलिस पर कई सारे आरोप भी लगाए हैं। सपा नेता शिवपाल यादव का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि अंकुश की गाड़ी में पुलिस ने असहला रखा, साथ ही मेरे निजी सचिव को फंसाने की कोशिश भी की गई है। वहीं पुलिस उपायुक्त मध्य जोन का भी बयान आया सामने, जहां पर चेकिंग के दौरान रोका और उसके बाद में छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि तथ्यों के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो गौतमपल्ली थाने से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर बड़ा बवाल हुआ है। आपको बता दें कि सपा नेता शिवपाल यादव के निज सचिव है अंकुश, जिनकी गाड़ी को रोक लिया गया पुलिस चेकिंग के दौरान, और इस दौरान विवाद हुआ पेपर दिखाने को लेकर, गाड़ी के पेपर दिखाने को लेकर विवाद हुआ। तस्वीरें आपके सामने है, जहाँ पर शिवपाल यादव थाने पहुंचे। पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी रोक करके ऐसे गाड़ी रुकाई, रुकाने के बाद असला कोई चीज़ थी, असला वगैरह था, निकाला और इसके सीट पर रख दिया पीछे वाली पर, और कहिए खोलो। और ये सब बातें हैं ना, तो ये सवेरे खुलासा होगा और बातों का सबका खुलासा होगा जल्दी। तो क्या फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्या कारण लग रहा है आपको, और क्या इस तरीके से फंसाने का क्या रीज़न है? अच्छा, फंसाएंगे, वसूली करेंगे, और ये तो पूरे प्रदेश में ही हो रहा है इस तरीके के। निर्दोष लोगों को, बहुत लोगों को जेल भेजा रहा है। थाना गौतमपल्ली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिनका नाम अंकुश शर्मा है, जो कि अपनी चार पहिया वाहन से जा रहे थे, उन्हें संदिग्धता के आधार पर रोका गया था, जिसके उपरांत उनको थाने पर तथ्यों की जाँच हेतु लाया गया। जाँच उपरांत उन्हें थाने से रवाना किया गया। इस संबंध में संपूर्ण जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उन पर निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता अनूप चौधरी जुड़ चुके हैं। अनूप, सपा नेता शिवपाल यादव के द्वारा जो पुलिसकर्मी है उन पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, पहले विस्तार से बताइए कि क्या है पूरा मामला? कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं शिवपाल यादव, इनका निजी सचिव है अंकुश शर्मा, वो देर रात दिलकुशा लखनऊ में ही गौतमपल्ली थाना इलाके में पड़ता है, एक दिलकुशा इलाका है, वहीं पे चेकिंग के नाम पर पुलिस कर्मियों ने अंकुश शर्मा को रोका। जैसा कि शिवपाल यादव और अंकुश शर्मा का आरोप है कि उनसे बदतमीजी करने लगे, और बाद में जो है पुलिस उनको जो है गौतमपल्ली थाने लेके चली आए और वहां पे फर्जी असलाहा दिखाकर फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी दी। हालांकि पुलिस पक्ष का कहना है कि दिलकुशा क्रॉसिंग के दौरान जब उनको रोका गया, संदिग्ध के आधार पर रोका गया, तो उनसे पूछताछ के दौरान इसी दौरान वो पुलिस से उलझने लगे, जिसके कारण उनको गौतमपल्ली थाने लाया गया था पूछताछ के लिए। हालांकि ये पुलिस पर लगा कोई, जिस तरह से सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने आरोप लगाया है, ये कोई नया आरोप नहीं। इस समय पूरे लखनऊ पुलिस की बात करें या पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, पूरे सिंडिकेट बनाकर पुलिस जो है लूटपाट में लगी हुई है, जिसको चाहे उसको फर्जी मुकदमे में फंसा देती है, अगर किसी ने विरोध किया तो उसको घर बुलडोजर से ढाने की धमकी देती है, फर्जी मुकदमे में फंसाती है, तरह तरह के प्रताड़ना करती है। अभी हाल ही में कृष्णानगर में भी एक आईएएस अधिकारी आईएएस की तैयारी कर रहे थे युवक को, उसको भी कृष्णानगर पुलिस ने फर्जी तरीके से फंसा दिया था। हालांकि उस प्रतियोगी छात्र ने अपने जो उसका आईपीएस मित्र था उसको सूचना थी, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसको छोड़ा और उसमें दो पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए थे। ये पूरा लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये पूरा खेल चल रहा है। जो चाहती है उसको फर्जी मुकदमे फंसा देती, जिसको चाहती है उसको मारती, जिसको चाहती है प्रताड़ित करती, जिसको चाहती है उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करती है। ये बहुत संगीन आरोप है और ऐसा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे हो रहा है, क्योंकि जहां पर वो घटना हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पांच कालीदास आवास भी उससे कुछ दूरी पे है, और थाना गौतमपल्ली भी बहुत वीवीआईपी थाना कहलाया जाता है, सब यहाँ पे वीवीआईपी लोग रहते हैं।
ऐसे में पुलिस पे आरोप लगना और बड़ी बात है, वो खुद समाजवादी पार्टी के मुख्य जो महासचिव हैं वो खुद देर रात थाने पे पहुंचे थे और वहां से अंकुश शर्मा को वो अपने साथ लेके आए थे जो उनका निजी सचिव है। अगर वो वहां पे आरोपी होता है, जिस तरह से पुलिस का कहना है कि उनके पास जो है अवैध असलाह मिला हुआ था, अगर अवैध असलाह मिला हुआ था तो उसको छोड़ा क्यों गया? जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही, पुलिस का जो सिंडिकेट पूरे लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, फर्जी मुकदमे की फर्जी मुकदमे में फंसाने, प्रताड़ित करना, घर ढहाने की धमकी देना, ऐसा सब कुछ ऐसा हो रहा है, उसके बावजूद भी पूरी पुलिस महकमा शांत है। जैसे लगता है पूरी एक छूट दे दी गई है पुलिस को कि वो पूरी तरह से खुलेआम गुंडई करें, लूटपाट करें और जिसको चाहे उसको फर्जी तरीके से मुकदमे में फंसाएं। और यही वजह है कि देर रात खुद सपा के महासचिव शिवपाल यादव वहां पहुंचे और गौतम पल्ली थाने से ले आए। उनका कहना है कि आज इस मामले में एक बैठक होगी, बैठक में उत्तर प्रदेश में पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस मामले में किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है पुलिस कर्मियों पर। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, निज सचिव है सपा नेता शिवपाल यादव के, जिनके साथ में लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी गाड़ी को रोकी गई और उसके बाद में विवाद हुआ, जिसके बाद में सपा नेता शिवपाल यादव स्वयं पुलिस थाने पहुंचे और इसके बाद में जमकर बवाल हुआ है।